ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए ब्रेक आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक, मन आज बहुत प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानियां हल होंगी, नई जिम्मेदारी भी आज आपको प्राप्त होगी। हाँ, आपके पार्टनर को आपसे लाभ मिलेगा और आज लव लाइफ संतुष्टि और तालमेल भरी रहेगी। मूलांक 7 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला जो रंग है वह आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का है अंक, आज आप अपनी योजना पार्टनर से बिल्कुल भी शेयर ना करें, जो भी करें अकेले करें, कोई काम या उसकी योजना अब आपकी मजबूरी जैसी भी बन गई है, इसलिए सोच समझ कर फैसले लें। मूलांक 8 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, गुलाबी जो रंग रहता है दर्शकों, आज विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है, आपको यह भी लग सकता है कि काम हो ही नहीं सकते, एक बार जब काम शुरू हो जाएगा तो आपके सारे संकोच दूर हो जाएंगे। मूलांक 9 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, केसरिया जो रंग है वह विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कैलाश जी, अनिल जी हैं भीलवाड़ा से, अपनी पुत्री श्वेता के लिए जानना चाहते हैं। श्वेता की जन्म की तारीख है 24/7/87। अनिल जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए अनिल जी। हाँ पंडित जी नमस्कार साहब। नमस्कार अनिल जी। हमारी गुड़िया है, उसकी जन्म तिथि है 24 जुलाई 1987। जी, तो इसके वैवाहिक जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। अनिल जी, आपकी गुड़िया श्वेता के जन्म की तारीख 24/7/1987, 24, 2 और 4, 6 का अंक बनता है। मंथ का जो अंक है जुलाई, 7 का अंक, और वर्षांक 1987 उसका टोटल भी 7 का अंक बनता है। 7 और 7, 14 और 6, 20 का अंक। मूलांक 6 है और लकी नंबर 2, अपने आप में 6 और 2 का कॉम्बिनेशन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैवाहिक जीवन में शुरू के दौर में थोड़ी उठापटक रहेगी, लेकिन वह सारी उठापटक अगर अभी चल भी रही है 19 जनवरी 2018 को खत्म हो जाएंगी। आपकी पुत्री का जो लकी नंबर है वो 2 का अंक बनता है। नया कैलेंडर वर्ष 2018 जो शुरू हो रहा है वह भी 2 के अंक का बनता है, इसलिए चलित में समय अच्छा आने वाला है। कोई उठापटक अगर चल रही है वह 19 जनवरी 2018 को समाप्त हो जाएगी। हाँ, गुड़िया का मूलांक 6 का अंक 2 और 4, 24, 6 का अंक बनता है। शुक्रवार का व्रत करना और संतोषी माता की पूजा करना आपकी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और अगर पूजा पाठ वगैरह नहीं हो पाते तो डायमंड पहनना भी लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, जितने भी दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उन सभी के लिए बता देंगे, दर्शकों आज हम कर्ज पर चर्चा कर रहे हैं कि कर्ज से किस तरह मुक्ति पाई जा सकती है। कैलाश जी आपसे जानना चाहूंगा, कर्ज अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है आवश्यकता पड़ने पर, तो कब लेना चाहिए और कब चुकाना चाहिए? दर्शकों, पूरी चर्चा में ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूं कहें कि रिलायंस को कर्ज नहीं लेना होता तो वह भी लेती है, इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट तक का तक कर्ज लेती है, और गली का छोटा सा दुकानदार भी कर्ज लेता है, और किसी के घर में शादी होती है तो वह भी कर्ज लेता है। कर्ज हर किसी व्यक्ति को जीवन के दौर में लेना पड़ सकता है, तो कब लें ये अपने आप में विशेष रूप से मायने रखता है, क्योंकि जो दिन हम चूज करते हैं कर्ज लेने का वह अगर अच्छा नहीं है तो जीवन भर वो कर्ज चलता रहेगा, कर्ज में डूबे रहेंगे, और अच्छे समय में लिया हुआ कर्ज बहुत जल्दी जिम्मेदारी पूर्वक चुकत हो जाता है और अपने को लाभ की स्थिति प्रदान करता है। इसलिए दर्शकों, सदैव जब भी कर्ज लें, सोमवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन और रविवार वाले दिन, सोम, शुक्र और रवि ये कर्ज लेने के लिए बहुत अच्छे और शुभ दिन माने जाते हैं। सोमवार, शुक्रवार और रविवार को लिया हुआ कर्ज बहुत जल्दी चुकता हो जाता है और व्यक्ति कर्ज से मुक्त रहता है। दूसरी बात दर्शकों, बुधवार और गुरुवार वाले दिन अगर किसी व्यक्ति विशेष ने उधार पैसों का लेन देन किया, उधार रुपये लिए, तो वह कर्ज उसका बहुत दिक्कतों से चुकेगा या चुकता ही नहीं होगा, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा और वो कर्ज में जीवन भर दबा रहेगा। सारांश की बात यह है, बुधवार और गुरुवार को किसी भी कंडीशन में कर्ज नहीं लेना चाहिए। सोमवार, शुक्रवार और रविवार यह सर्वश्रेष्ठ दिन रहते हैं, अगर आपको जरूरत है तो उस दिन पैसों का लेन देन कीजिए, उस दिन कर्ज ले सकते हैं। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी पूजा फिर पाठ करनी चाहिए,
जिससे कर्ज जैसी समस्या सामने ही ना आए किसी व्यक्ति के। दर्शकों, शुद्ध रूप से कर्ज का मतलब पैसा, पैसा हम उधार लेते वो अपने आप में कर्ज हीन हो गए, और कर्ज पैसों का जो शुक्र ग्रह माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और शुक्र देवी कृपा का माना जाता है। माता रानी लक्ष्मी के साथ अगर आप संतोषी माता की, आपके जो कुल देवी है उनकी पूजा पाठ अर्चना करते हैं तो आपको कर्ज कभी लेना ही नहीं पड़ेगा, कर्ज से मुक्त रहेंगे, आपका स्वयं का आर्थिक संपन्नता समय समय पर बनी रहेगी और जीवन उसी के अनुरूप चलता रहेगा। इसलिए अपने कुल देवी की पूजा पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया, और या फिर आपका कोई देवी का इष्ट है तो उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, बिखला आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। जी दर्शकों, न्यूमरो टिप्स। घर में कभी भी जो अपना मास्टर बेडरूम रहता है या बच्चों का भी जो रूम रहता है, बेड के सामने कभी भी कांच नहीं लगाना चाहिए। आईना अगर अपने रूम में बेड के सामने रहता है तो कष्ट रहता है, और मास्टर बेडरूम में अगर बेड के सामने अगर आईना लगा रखा है तो पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, तनाव बना रहता है, कलेश बना रहता है। इसलिए जो आईना रहता है लेफ्ट में, राइट में या अपने सिरहाने आप लगा सकते हैं, आंखों के सामने नहीं लगाना चाहिए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आप सभी को काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी। दर्शकों, जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी समस्याओं के आसान से हल। साथ ही में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।